जो बीएलओ को घर घर जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दिया है चुनाव आयोग ने कि वह घर घर बीएलओ पर्ची बांटेगा, वो बीएलओ का न बांट करके बीजेपी के लोगों को वो पर्ची दे दिया। बीजेपी के लोग अपना पोस्टर पार्टी का कंप्लेंट लगा करके बांटने का काम किया है। कहा जा रहा है सर कि बीएलओ ने कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं को पर्चियां दे दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब है। बीएलओ अपना काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे। मैं कह रहा हूँ कल तक इन बीजेपी वालों ने मीटिंग करी है आचार संहिता में, जिसका डॉली शर्मा जी ने डाला भी है वीडियो। चीज हमको पता पड़ी कि कल भी 100 से ज्यादा लोगों की मीटिंग भाजपा ने की है इसी क्षेत्र में, सही है क्या ये बात? नहीं, मीटिंग क्या हो तो सभी लोग आप अपने किसी के घर में जाके कोई 10-10 लोग जाके अपने पर, वैसे जाके बैठे चाय पानी के, वो उसको मीटिंग कहें कुछ भी। क्या गड़बड़ी, कौन सी गड़बड़ी? यही पर्ची वोट कट जाती है, जो इनको पता है हमारी पार्टी का आदमी नहीं है तो उसकी वोट कटेगी ही कटेगी। आधे लोगों को पर्ची ही नहीं मिली, इतना आगे परेशान हो, कई लोगों को वोट कट गया है, वोट ही नहीं है। कुछ एक आरोप है इस वाले बूथ पर के कई लोगों के पर्चियों में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है जिन लोगों ने पहले वोट किया हुआ है। पहले भी यहीं पे डाल के गई है लेकिन इस बार उसमें उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो हो सकता है कहीं एड्रेस मिसमैच हुआ हो, ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों है जो है 453 नहीं है, 52 है, 54 है। नमस्कार दोस्तों, गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र है ये और वोटिंग आज हो रही है। 335 नंबर बूथ है, पास में ही DAV स्कूल है जहाँ पर वोटिंग पड़ रही है। अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं ये इंडिया अपोजिशन ब्लॉक जो है उनके कार्यकर्ता हैं, जो लोगों को पर्चियाँ वर्चियाँ दे रहे हैं, जितनी पर्चियाँ जो लोग आना चाह रहे हैं। आगे अन्य पार्टियों के भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग बैठे हुए हैं। कुछ एक समस्या आई थी इस बूथ पे, एक आपकी वीडियो हमने देखी है जिसमें आप कह रहे हैं कि BLO ने पर्चियाँ बांट दी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे दी, तो क्या था ये पूरा मामला? ऐसा है, जो BLO को घर घर जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दिया है चुनाव आयोग ने कि भाई घर घर BLO पर्ची बांटेगा, वो BLO का न बांट करके बीजेपी के लोगों को वो पर्ची दे दिया। बीजेपी के लोग अपना पोस्टर पार्टी का कंप्लेंट लगा करके बांटने का काम किया है। और ये तो आरोप है आपका, इसका कोई प्रमाण है? अभी समय प्रमाण क्या देखा, आप पूछ रहे हैं, कल होता तो प्रमाण आपको देता। हमारे पास घर खुद गया है बीजेपी का लगा हुआ, हमने पूछा तो कहा कि नहीं, तो BLO दे गया हमको, तो कल होता तो मैं आज क्या प्रमाण दे सकता हूँ आपको। आधे लोगों को पर्ची ही नहीं मिली, इतना आके परेशान हो, कई लोगों को वोट कट गया है, वोट ही नहीं है। ये दिक्कत हम लोग, अभी हमने अपने प्रत्याशी को बताया कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई है। तो आप तो कार्यकर्ता होंगे, आपने अपने नेता को आज बताया होगा, लेकिन कल जब आप कह रहे हैं कि ऐसी पर्ची आई थी तो कल आपने अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की कोशिश की क्या कि पता करें, बात करें? कल शाम को जब हम शाम को रात को क्या कर सकते हैं, क्या अब नेता अब आया, उनका फोन भी थी, कल घूम रही थी इसलिए हमने नहीं, टेलीफोन नहीं मिला। अब आई है तो उनको हमने बताया ऐसा था हमारे साथ हुआ। क्या बोली वो? नहीं, उन्होंने बोला खराब, हम आगे भेज दें, कार्रवाई होगा इस पर। BLO पे जो आपने आरोप लगाया है, BLO ने कुछ बोला? नहीं, BLO कोई नहीं, कुछ नहीं बोला, हमने बात ही नहीं। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे, आप ही बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ कल तक इन बीजेपी वालों ने मीटिंग करी है आचार संहिता में, जिसका डॉली शर्मा जी ने डाला भी है वीडियो, उस पर भी अभी तक निर्वाचन आयोग पे भेजी है, देखो कार्रवाई होती है तो। अच्छा, क्या है यहाँ पे पोलिंग वोलिंग का माजरा, क्या कितने लोग आ रहे हैं? हो गई ब्रिज विहार में, हो गई कोई 35% अब तक हो गई है और काफ़ी अच्छा है, ठीक चल रहा है। गड़बड़ी कोई नहीं है, गड़बड़ी ये जो कार्यकर्ता हैं वही करते हैं बस, जो बीजेपी के का बहुल क्षेत्र है, बीजेपी बहुल क्षेत्र है तो वो करेंगे वो लोग तो। क्या गड़बड़ी, कौन सी गड़बड़ी? यही पर्ची वोट कट जाती है, जो इनको पता है हमारी पार्टी का आदमी नहीं है तो उसकी वोट कटेगी ही कटेगी। तो ऐसा कटा है आप लोगों के एरिया में? आप लोग बहुत लोग कटा है, बहुत लोग कटा। अब जैसे क्या पता, जब यह सब अभी कल पूछो तो हम प्रमाण दे देंगे, आज हम कहाँ दे पाएंगे, काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ, क्योंकि यहाँ से 100-200 तो लोग बेचारे वैसे लौट गए, उनका ही नहीं पार्टी है, वोट नहीं है। अच्छा। कार्य अगले हम विधानसभा में दिए थे, अब हमारा वोट खत्म हो गया। तो ये गवर्नमेंट की लापरवाही है या BLO की, जिसकी भी लापरवाही, हम तो गवर्नमेंट की बात करेंगे। बोले ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटिंग कार्ड है, जिन्होंने पहले वोट दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल उनका जो वोटर लिस्ट यहाँ पर दिख रही है उसमें नाम है नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, हमने बताया कि 493 नंबर में मेरा वोट है, मैंने पिछली बार दिया है और इस बार जो है हमने लिस्ट में चेक कर लिया, उनका नाम तक नहीं है। तो ये या तो उनकी गड़बड़ी है और या तो आगे से, उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो चेक करके बता सकते बस। तो आप सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, कितने लोगों को आपने पर्चियाँ दी होंगी? लगभग लगभग मोटा माटी 50 से
55 आदमियों को हमने पर्ची अपने हाथ से बना के दी है। बाकी जो लोग हैं ऐप से निकाल के इसके जरिए निकाल के हमने उनको दिया, और काफ़ी लोग हैं जो लिस्ट चेक करके और वापस रिटर्न चले गए जिनका नाम नहीं। कितने लोग होंगे जो रिटर्न गए? मोटा माटी हम लोगों ने अभी तक 20 लोगों को वापस किया है। वापस किया? हाँ, वापस चले गए वो लोग। उन लोगों से हमने कहा कि आप आगे पता कर लीजिए, हो सकता है हमारे पास ना हो उन लोगों के पास। ऐसा हो सकता है हमारे पास ना हो तो उन लोगों के पास पता कर लीजिए। ये तो ऐसा है ना, ये वोटर लिस्ट है और ये वोटर लिस्ट तो सबके पास सेम ही होगा। मैं चाहता हूँ सुमित इस पर भी एक बार जूम कर लें। ये वोटर लिस्ट तो अगर आपके पास नहीं है तो उधर भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो डिलीटेड लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ है भाई? ये नहीं। अच्छा हाँ, ये जैसे कि मृत्यु हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके लिए होता है। ठीक है, मतलब कहना ये है कि ये जो वोटर लिस्ट है अपडेटेड, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है। वोट डालने आए हैं आप? हाँ जी, नहीं, मेरी वाइफ आई है, उनके आधार कार्ड यहीं का है लेकिन उनका कार्ड ही नहीं निकल, वोटिंग ही नहीं निकल रही है उनकी। अच्छा, तो वोटिंग कार्ड में एड्रेस शायद कहीं और का होगा, ऐसा भी तो? यही सेम एड्रेस, सब कुछ सेम है। पहले वोट डाला है? आधार कार्ड यहीं का, यही पहले वोट डाला है। पिछली बार भी। पहले कब डाला था वोट? पिछली बार भी। वो कार्ड आज का नहीं है, आधार कार्ड बहुत पुराना है। 2022 का विधानसभा चुनाव? बहुत, उससे भी आगे का है। अच्छा, तो इसी जगह पे डाला था उन्होंने? पहले भी यहीं पे डाल के गई है लेकिन इस बार उसमें उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो हो सकता है कहीं एड्रेस मिसमैच हुआ हो, ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों है जो है 453 नहीं है, 52 है, 54 है, बीच में 3 नहीं है। हाँ, ये लीजिए, तो ये साहब हैं, इनकी पत्नी हैं, इन्होंने विधानसभा चुनावों में वोट डाला था, यहीं से डाला था, लेकिन फिलहाल इस पर्ची में उनका नाम नहीं है। मामला है, शिकायत आप लोगों ने भेजी है, आपका ये कहना है, शिकायत भेजी गई है, शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है, क्या सुनवाई होती है, वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल इट्स वोटिंग डे, इट्स वोटिंग आवर्स, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, आप लोग अपनी भागीदारी जरूर करें, आप लोगों के क्षेत्र में जब जब वोटिंग है वोटिंग जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, वही पर्व आज सेलिब्रेट हो रहा है। 19 तारीख को भी हुआ था, फेज पहला था और आज दूसरा फेज है। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के 335 नंबर बूथ में है हम, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, क्योंकि ये जो बीजेपी का जो बूथ टेबल है वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। सुबह से लगे हुए हैं, पसीना आ रहा है, चिलचिलाती हुई धूप है, ज़रूरत क्या है, डाल लेंगे वोट अपने आप लोग? देखिए भाई साहब, आप हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, ये वार्ड 68 ब्रिज विहार पड़ता है गाजियाबाद शहर में, विधानसभा 55 है और लोकसभा हमारा 12 है। 12 है ना भाई साहब? 12 है। हमारे सभी कार्यकर्ता 4:30 बजे यहाँ आगे थे, अपनी पहले टेबल लगाई, टेबल के बाद में वो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके साथ में जो मशीन चेक करनी होती है उसमें सब लोग विधिवत 4:30-5 बजे यहाँ आगे थे और तभी से लगे हुए हैं। और ये योगी जी, मोदी जी देश के लिए इतना कर रहे हैं, आगे विकसित भारत की तरफ लेके जा रहे हैं, इतनी मेहनत हमारे मोदी जी करते हैं तो हम कार्यकर्ता भी फर्ज बनता है। हालांकि हम लोग भी 5 साल से लग रहे हैं लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, ये दिन की बात नहीं, रात की बात नहीं, कि ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें हम पूरा दिन अपना भूखे रह के भी इसमें काम करें। अच्छा, पहले भी करते थे कि मोदी जी के आने के बाद जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद ये इच्छा शक्ति बढ़ी है? सर, काम हमेशा करना चाहिए, जो काम करेगा उसको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा और वो कहीं ना कहीं जहाँ भी रहेगा उसका ऑटोमेटिक नाम होगा। अच्छा, मोदी जी से हमें जागरूकता मिली है, मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया, प्रधानमंत्री हो गया, हाथ में झाड़ू लेके सफाई करने लगे, सब लोग साफ करने लगे, करना चाहिए। तो एक उनमें अंदर के एक आईना है, वो दिखाते हैं तो उस पर लोग बाग चलते हैं। अच्छा, आपने काम की बात की, सब लोगों का अलग अलग काम होता है, बीएलओ का काम होता है, तमाम लोगों का वोटर लिस्ट में नाम हो, तमाम लोगों को पर्चियां मिले और चुनाव जो है अच्छे तरीके से संचालित हो। कुछ एक आरोप हैं इस वाले बूथ पर के कई लोगों के पर्चियों में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिन लोगों ने पहले वोट किया हुआ है, सही है क्या आप लोगों ने फेस किया? आरोप तो देखो मैं बताऊँ आपको, बीएलओ कुछ कई बार आए भी हैं, कई बार नहीं भी आए, काम उन्हें तरीके से करना चाहिए था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने ज़्यादातर वोट बनवाई है, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि हाँ वोट नहीं बनी, वोट बनी है। 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनका आगे पीछे हो जाता है, ढूंढने से बहुत लोगों की मिली है, हमने ढूंढवाया है, तो ऐसा नहीं है। कुछ के होते भी हैं कि कई बार आदमी कट जाता है किसी वजह कारणवश, कोई अपना आप कहीं शिफ्ट कर दिया हो, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के हैं। ये भी कहा जा रहा है सर कि बीएलओ ने कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं को पर्चियाँ दे दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब है, बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने घर घर जाके अपनी पर्ची अपने बैलेट पेपर पर जाके जो है ना अपने बैलेट पेपर में और अपने अतुल गरी जी का पैड लगा के पर्चियाँ बांटी है, उन्होंने सरकारी काम किया उन लोगों ने।
मतलब अब नहीं, आरोप ये लग रहा है ना कि बीएलओ जो है वो सरकारी काम जिन लोगों को करना है उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के फेवर, हमने अपने भाजपा के लिए काम करा, हमने घर घर जाकर अपनी पर्ची बांटी है, बीएलओ ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें हम नहीं जाते, काम भी किया कई जगह बीएलओ ने, कई बूथ पे काम भी किया है। पोलिंग कैसी रही है? पोलिंग बढ़िया है सर, अभी तक मेरे हिसाब से 40-42% का हो गया, 35% प्लस है, तो मेरे हिसाब से 55 के आसपास जाना चाहिए। आप हमको बताइए, हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जब घूम रहे हैं, दिल्ली में भी और अलग अलग जगहों पर भी, लोग कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे, भाजपा को वोट करने वाले जो लोग हैं, क्या आपको ये ट्रेंड सही लगता है? क्योंकि देखिए आप हैं, हम हैं, हम लोग तो अपना सांसद चुनते हैं, ये वाला ट्रेंड यहाँ पे भी है क्या? सर जी देखो, मोदी जी का चेहरा एक अलग चेहरा है, मोदी जी के नाम से तो वोट पूरे देश में पड़ेंगे, लेकिन हमारे अतुल गर्ग जी भी अच्छे लोग हैं और उन लोगों ने, उनके पिताजी यहाँ मेयर रहे हैं पूरे गाजियाबाद शहर के, क्लास नंबर 1 के हमारे सीए रहे हैं, 2 बार मेयर रहे हैं, ये भी विधायक रहे, मंत्री रहे, लोकसभा का टिकट मिला है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, कमल के फूल का गढ़ है, और यहाँ तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अच्छा कल भी हर मोदी जी का तो क्रेज है, मोदी जी का, योगी जी का काम भी करे, इतनी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं। एक आखिर सवाल आप हमको बताइए, एक एक चीज हमको पता पड़ी कि कल भी 100 से ज्यादा लोगों की मीटिंग भाजपा ने की है, कहाँ? इसी क्षेत्र में, सही है क्या ये बात? नहीं, मीटिंग क्या, वो तो सभी लोग अपने किसी के घर में जाके, कोई 10-10 लोग जाके अपने वैसे जाके बैठे चाय पानी के, वो उसको मीटिंग कहें कुछ भी कहें, ये मीटिंग नहीं है, ये आपस में एक दूसरे का भाईचारे के कारण समायोजन है, ये हमेशा चलता रहता है, चाहे ये संघ की प्रवृत्ति रही है और ये भाजपा की भी रही है कि लोगों को जागरूक करना। जागरूक का मतलब ये चुनाव के समय में सर ऐसा होता है तो लगता है ना कि ये देखो चुनाव, ये नहीं कहता उस चुनाव में या उस बैठक में हमने नहीं कहा कि किसको कास्टिंग करनी है, हमने कहा कि आप वोट करो, 100% आप लोग मतदान करो, मतदान किसके फेवर में करो इसके लिए बात नहीं हुई है, आप कहीं से भी देखिए, अच्छा। मतदान देना, मतदान को प्रभावित करना, ये भारत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और हम लोग जाए एज ए नागरिक, हम ये चाहते भी मतलब मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें किसी को फेवर नहीं किया गया, देयर इज नो फेवर, बट देयर वाज अ मीटिंग, नॉट ए मीटिंग, जस्ट लाइक एजेंडा, जस्ट कि आप पोल करो, अपने पोलिंग उस पर जाओ, सेंटर पर जाओ, आप पोस्ट करो, अवेयरनेस आपके हिसाब, जस्ट लाइक एज अवेयरनेस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। तो ये 335 नंबर बूथ से आप हाल देख रहे हैं, बाकी जगहों से भी हम दिखाते रहेंगे आपको हालात क्या है। चुनावी दंगल देखने के लिए मॉलिटिक्स से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।